सितंबर 2012 की बात है। मैंने मेरी रात की काठगोदाम की ट्रेन थी दिल्ली से, और दिन का वक्त मैंने ट्रेन क्योंकि रात की थी मैंने इंतज़ार करने के लिए पहाड़गंज के बाज़ार में गुजारा। और मुझे मेरी ये पहली विज़िट थी कैंची धाम की। उस दिन मेरी नज़र पड़ी एक मूर्तियों की दुकान पर, एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति पर। उस मूर्ति का एक्सप्रेशन बहुत ही स्वीट था। मेरे मन में आया कि मेरे मन में विचार आया कि मैं इसको ख़रीदूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका मन ही मन। मुझे लगा कि कैंची धाम से के बाद सीधा मैं हिमालयस में जाने वाली हूँ हाइकिंग के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी अननेसेसरी सामान नहीं उठाना चाहिए। उस रात जब मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में एंटर की, जो काठगोदाम जाने वाली ट्रेन थी, मैं ये देखकर एकदम स्टंड रह गई कि वही जो छोटी सी क्यूट गणेश भगवान की मूर्ति थी, वो विंडो के पास एक छोटी सी जो टेबल होती है वहाँ पर रखी हुई थी। और मेरी सीट के एकदम सामने वाली सीट पर एक लंबी लंबी जटाओं वाले साधु बैठे हुए थे। मुझसे रुका नहीं गया, मैंने वो छोटी सी मूर्ति उठाई और उसकी तारीफ़ की। उन साधु ने मेरे फेस पे एक्सप्रेशन पढ़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पसंद है ये, तो ये तुम्हारी हुई। मैं बहुत हैरान रह गई, मैंने कहा सच में रियली? उन बूढ़े साधु ने कहा कि वो ब्रिटिशर थे और वो काफ़ी वर्षों से, कई दशकों से नैनीताल में रह रहे थे, और वो महाराज जी के रहते हुए भी, महाराज जी जब सशरीर थे तब भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा बिल्कुल ये मूर्ति अब तुम्हारी हुई। अगली सुबह जब हम लोग काठगोदाम स्टेशन पहुँचे, तब वो साधु स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरे और उनका एक हिंदू साधु फ्रेंड वहाँ वेट कर रहा था कार में आगे की यात्रा के लिए। उन दोनों ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कहा कि मैं उनके साथ चलूँ, नैनीताल चलूँ और वहाँ से कैंची आश्रम भी उनके साथ ही जाऊँ। बहुत बहुत ही मेरे साथ स्वीट थे वो लोग, बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी स्वयं मेरा ख्याल रख रहे हैं और सारा अरेंजमेंट महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। मैं उनके साथ चल दी। रास्ते भर उन्होंने मुझे महाराज जी की बहुत ही अच्छी लीला स्टोरीज सुनाई, अपने अनुभव सुनाए जब वो महाराज जी के साथ थे, एक्सपीरियंसेस शेयर किए मेरे साथ। और जो हिंदू साधु थे उन्होंने कहा कि एक बार महाराज जी ने उनके कान में एक मंत्र फूका और वो मंत्र बहुत बहुत पावरफुल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि वो कोई भी किसी भी प्रकार के सिचुएशन में वो मंत्र काम कर सकता था। उसके बाद 2012 के बाद मेरी जो सेकंड विज़िट थी कैंची धाम की, वो थी अप्रैल 2015 में। अब उस सप्ताह एक रात को मेरे मन में, मैं कैंची में ही रुकी हुई थी आश्रम में, मेरे मन में अचानक से मेरी बचपन की कुछ कड़वी यादें, कुछ दर्दनाक यादें मेरे मन में आ गईं और मैं बहुत परेशान होने लगी। मैं महाराज जी से प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी मेरे ये जो ज़ख्म हैं, मेरे जो घाव हैं, इनको भर दीजिए। जो मेरी चोट लगी हुई है अंदर, बहुत सारा ज़्यादा मेरे अंदर एंग्विश है, गुस्सा है, नफ़रत, ये सब भरा हुआ है। आप मुझे ये इस सब को मैं हैंडल नहीं कर पा रही, आप अपनी कृपा करके मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आप पर संपूर्ण समर्पण कर दूँ, सरेंडर करूँ आपके चरणों में, और ये सारी यादें मेरे माइंड से इरेज हो जाएं। और एक फूंक मारकर इस घाव को आप, एक जैसे माँ करती है बच्चे को जब चोट लगती है, माँ फूंक मारती है और उस घाव को भर देती है, उसी तरह से आप भी कुछ ऐसा कीजिए, एक माँ की तरह फूंक मारिए और मेरी जो पुरानी दर्दनाक यादें हैं उनको एकदम से मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। आखिरी कुछ दिन जो आश्रम में थे वो हमेशा से ही बहुत अच्छे होते थे और भजन कीर्तन चैंट्स प्रेयर सब कुछ चलता रहता था देवी देवताओं का आश्रम में। और जो मेरे बचपन की जो कड़वी यादें थी, इन वजहों से
इन कारणों से मेरे मन में दोबारा नहीं आई उभर कर। अब दिन आया वापस दिल्ली जाने का और ट्रेन लेनी थी वही काठगोदाम से। मेरी सीट जो थी इस बार ओपन कंपार्टमेंट में थी, राइट हैंड साइड कॉर्नर पर विंडो वाली सीट। मैं मेरे हाथ में रामदास जी की बुक थी बी लव नाउ और मैं उसको पढ़ रही थी। जब ट्रेन रुद्रपुर स्टेशन रुकी तब मेरे बुक के पेजेस के ऊपर एक परछाई, एक छाया सी पड़ी और मैंने अपनी नज़रें अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा। प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था, एकदम स्टिल खड़ा था बिना कोई मूवमेंट के, और उनका जो फेस था वो मेरी तरफ विंडो की तरफ था। बहुत शांत उनका चेहरा लग रहा था, वो इंडियन व्यक्ति था और अपने 40s या 50s में होगा वो व्यक्ति। कपड़े थोड़े से गंदे थे, ब्राउन कलर की उन्होंने पैंट पहन रखी थी, मुझे उनके जूते नज़र नहीं आ रहे थे। शर्ट उनकी जैसे एक कुर्ता स्टाइल की वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर की ओर देख रहे थे। उनका जो लेफ्ट हैंड था वो मेरे कंपार्टमेंट की मेरी विंडो पर रखा हुआ था और मेरी विंडो मुझसे होगी करीब 30 सेंटीमीटर दूर जहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और जो पहला मेरे मन में विचार आया कि ये व्यक्ति मुझे हीलिंग दे रहा है। मेरे सामने ऑपोजिट सीट पर एक महिला बैठी हुई थी, मुझे लगा कि उस महिला ने उस व्यक्ति को बुलाया होगा हीलिंग के लिए। और न जाने क्यों मेरे मन में ये विचार आया, इसका कोई मेरे पास उत्तर नहीं है, लेकिन जो सामने महिला बैठी थी उन्होंने उस व्यक्ति को इस तरह से देखा जैसे कि उनका कोई उससे लेना देना नहीं है और वो चाहती हैं कि वो व्यक्ति वहाँ से चले जाए। मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कोई भिखारी होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात तो ज़रूर थी कि मैं उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पाई और उनसे जो हीलिंग वाइब्रेशंस थी वो लगातार फ्लो कर रही थी वहाँ से। मैं उनकी ओर देखती रही और जो एनर्जी थी उनसे, हीलिंग एनर्जी, वो लगातार उनसे मुझ तक पहुँच रही थी। फिर मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन ऑफिशियल पहुँचा और उसने उस व्यक्ति से कुछ कहा। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं दिया कि वो क्या कहा, लेकिन मेरा गैस है कि उसने, ट्रेन ऑफिशियल ने पूछा होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वहाँ से जाने के लिए कहा होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मुझे ये हैरानी हुई कि उस व्यक्ति ने ना तो कुछ अजीब तरीके से, गलत तरीके से गुस्से में या चिल्लाकर रिएक्ट किया, ना कुछ डरा वो व्यक्ति, ना प्रोटेस्ट किया, कोई गुस्सा नहीं आया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये सब देखकर, कोई भी रिएक्शन नहीं था। बस उस व्यक्ति ने उस ऑफिशियल को, ट्रेन ऑफिशियल को कुछ कहा और अब जिस दौरान ये सब हो रहा था तब भी मुझे बहुत अंदर से शांति महसूस हो रही थी और मैं बहुत वो एनर्जी में जो उन्होंने, उनकी तरफ से मुझे हीलिंग एनर्जी आ रही थी, वो मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे अंदर से शांत करता जा रहा है। उसके बाद मेरा जो ध्यान गया उस व्यक्ति के हाथ की तरफ गया। अब उस व्यक्ति का हाथ जो था पूरी तरह खुला हुआ था, जो उंगलियां थी पूरी अच्छे से खुली हुई थी और मेरी विंडो पे, खिड़की के शीशे पर थी दोबारा से। अब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो उस व्यक्ति का हाथ था वो पहले से काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था। मेरे माइंड में बहुत अजीब सी, क्योंकि मेरे एक साइंटिफिक सोच थी तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में पढ़ी हुई थी, मैं एक लॉयर हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, ना ही विश्वास हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि पहले उनका हाथ छोटा दिख रहा था और अब बड़ा दिख रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है कि पहले उनका हाथ थोड़ा सा बंद होगा इसलिए छोटा नज़र आ रहा होगा और अब अच्छे से खुला था, पूरी तरह से उंगलियां सीधी थी, तो हो सकता है इस वजह से उनका हाथ मुझे बड़ा नज़र आ रहा होगा। अब उस व्यक्ति ने वो हाथ वहाँ से
कुछ पलों के लिए उस शीशे से हटा लिया और वापस विंडो पर अपना हाथ रख दिया। और अब की बार उस व्यक्ति का हाथ बहुत छोटा नज़र आ रहा था, जैसे किसी महिला का हाथ होता है, एक फेमिनिन हैंड होता है, जैसे किसी मदर का, एक माँ का हाथ होता है। उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लहर दौड़ रही है, कुछ ऐसा लग रहा था कि उस हाथ से, उस छोटे हाथ से मुझे हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। और ये मुझे बहुत ही अविश्वसनीय सी बात लग रही थी, इसका कोई मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जो उनके तरफ से, उस व्यक्ति की तरफ से एनर्जी आ रही थी वो बहुत इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने फाइनली वहाँ से हाथ हटाया अपना और मेरा जो ध्यान था उनके चेहरे पर गया। अब उनका चेहरा जो था वो मेरी तरफ देख रहा था वो व्यक्ति। अब मैंने देखा कि उन्होंने मेरी तरफ बहुत प्यार से, बहुत सूदिंगली फूंक मारी, जैसे कि फूंक मार के किसी को ठंडा करते हैं, शांत करते हैं, किसी को हील करते हैं, उस तरह से उन्होंने फूंक मारी। और उसके बाद वो व्यक्ति पीछे हट गया, पीछे की ओर कुछ कदम हटाए और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। जो उन्होंने फूंक मारी थी वो, उससे मुझे बहुत ही गहरी शांति का और प्रेम का अनुभव हुआ। जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ काफ़ी दिनों तक रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्यों हुआ, और मैं इतनी शांति और मेरा मन अपने, अब मेरा माइंड, मेरा ब्रेन सही तरीके से फंक्शन कर रहा था और मैं अपने सारे काम जो है सही तरीके से सोच समझ के, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स जो मैंने दिल्ली में सारा कुछ अरेंजमेंट अपना करना था वो बहुत अच्छे तरीके से मैं कर पा रही थी। लेकिन दो दिनों के बाद जब मैं अपनी फ्लाइट में बैठी हुई थी, जब मुझे यूरोप वापस जाना था, तो अचानक से मुझे उस रात की याद आई जब मैं कैंची में थी और मैं जब प्रार्थना कर रही थी कि महाराज जी कुछ ऐसा कीजिए कि जो मेरी बचपन की वो यादें हैं वो सारी इरेज हो जाए और मैं शांति का अनुभव कर सकूं, और मेरी जो प्रार्थना है उसे स्वीकार कीजिए। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति था वो महाराज जी का ही भेजा हुआ था और जैसा मैंने चाहा था उसी तरह से उसने फूंक मारकर मुझे हील किया। मेरी सारी बचपन की यादें मेरे से दूर हो गई और मैं शांति और प्रेम का अनुभव करने लगी। आज की डेट में यदि मैं सोचूं तो मुझे वो बचपन के ट्रॉमा, मैं ट्रॉमा से, उस बचपन के ट्रॉमा से कम्प्लीटली टोटली बाहर आ चुकी हूँ, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। वो कड़वी यादें भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और जिन व्यक्ति के कारण मुझे बचपन में वो कड़वे अनुभव हुए थे और जिस ट्रॉमा में मैं गई थी, उस व्यक्ति की भी डेथ हो चुकी है। और 3 महीने पहले ही ऐसा हुआ है, जब मेरी हीलिंग हुई उसके बाद 3 महीने के बाद उस व्यक्ति की भी डेथ हो गई जिनके कारण मैं उस ट्रॉमा में गई। और मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति महाराज जी के पास, भगवान के पास ही पहुंचा है, क्योंकि महाराज जी हमेशा यही हमें सिखाते हैं कि महाराज जी अपने सारे बच्चों को इक्वली और अनकंडीशनली, सबको बराबर और अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। और ये एक्सपीरियंस है त्रिना क्रिया कोपेनहेगन डेनमार्क से, इनका एक्सपीरियंस है।